Hello student, today I am going to discuss electrochemistry, and this chapter is very important for board exam as well as NEET exam and JEE exam. तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है कि इसमें हम लोग दो तरह के एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक पढ़ते हैं हम लोग केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज हो रहा है तो कभी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रहा है। ये हमारे डेली लाइफ में आप देख सकते हैं। जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो इस मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, बैटरी होता है, सेल होता है, ठीक है। लेकिन ये सेल जब आप यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है। तो जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो आप इसको क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब प्लग करते हैं तो ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। चार्ज जब करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होके केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, और जब फिर चार्ज हो जाता है और जब आप मोबाइल को फिर से यूज करने लगते हैं तो उस समय केमिकल एनर्जी किस में चेंज होने लगता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए, है क्या ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। अभी हमने डिस्कस किया कि ये ऐसा फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है जो एनर्जी के इंटर कन्वर्जन की बात करता है। लेकिन कौन से एनर्जी की बात करता है, तो केमिकल एनर्जी की बात करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करता है। अब देखिए, इस चैप्टर को हम लोग थ्री पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लोग थ्री पार्ट्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें हमने पढ़ना है कि गैल्वेनिक सेल क्या है, उसका फंक्शन कैसे होता है, और बहुत सारे कैलकुलेशंस हम लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसी तरीके से थर्ड पार्ट में, पार्ट सी में, हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करेंगे कि सॉल्यूशन में हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। तो चलिए, पार्ट फर्स्ट को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करने के पहले में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। कुछ टर्म्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब होता है। आप कोई भी जब सेल को देखते हैं तो उस सेल में आप देखते हैं क्या क्या होता है। तो ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड को मिलाया है। ये इलेक्ट्रोड मेटल रॉड हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको, ये अगर मेटल है तो हम लोग इसको इसके ही सॉल्ट में डिप करते हैं, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या होता है, या तो इस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, या
ये हो सकता है कि इस मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो सॉल्यूशन में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होने के चलते यहाँ पे अब एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, वही हम इस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? तो व्हेन अ मेटल इज प्लेस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, इट एक्वायर्स आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, एंड पोटेंशियल इज डेवलप बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो मैंने अभी बताया आपको। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे ZN है, ठीक है, ये हमारा ZN है और यहाँ ये Cu है। इस कॉपर को उसके सॉल्ट में डिजॉल्व किए और इस सॉल्ट में ये किस फॉर्म में रहा होगा? Cu+2 और SO4-2 के फॉर्म में रहा। यहाँ भी ये ZN को उसके सॉल्ट में डिजॉल्व किए और ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के फॉर्म में ये कैसा रहा होगा? ऐसा रहा होगा। तो जब हम इस ZN को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है जिसमें ZN का न्यूट्रल एटम सॉल्यूशन के अंदर ZN+2 आयन को इंक्रीज करता है, और ऐसा होने के साथ साथ ये मेटल रॉड पे दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो देखिए, अब इस मेटल रॉड पे इसने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और सॉल्यूशन में ये क्या दिया? तो ZN+2 दिया। तो ऐसा होने से क्या हुआ कि इस ZN के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इस ZN के ऊपर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्रिएट हो गया? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो अब यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये ZN रॉड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। उसी तरीके से आप कॉपर के केस में देखते हैं, तो यहाँ कॉपर क्या करता है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन में Cu+2 आयन है वो कॉपर से दो इलेक्ट्रॉन लेता है। यहाँ पे हमारे पास Cu+2 आयन है, ये कॉपर से क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन लिया और कॉपर जाके इस रॉड पे डिपॉजिट हो गया। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या किया? गेन किया, और गेन करने से ये Cu में चला गया। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि अब सॉल्यूशन के अंदर देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जबकि रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो अब इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो इसी को हम इस कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये मेनली किस पे डिपेंड करता है? तो ये मेनली नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड के नेचर बदलने से आपका ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलता है। दूसरा, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन को डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं तब भी इसका वैल्यू इफेक्ट होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने से भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफेक्ट होता है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि क्यों कभी किसी मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि वेन एवर अ मेटल रॉड इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ इट्स सॉल्ट्स सॉल्यूशन, फॉलोइंग टू टेंडेंसीज आर ऑब्जर्व्ड। फर्स्ट टेंडेंसी इज नोन एज सॉल्यूशन प्रेशर एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन, एंड सेकेंड टेंडेंसी इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेशन। देखिए, यहाँ पे हमारा जो ये डी इलेक्ट्रोनेशन है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जो डी इलेक्ट्रोनेशन है बेसिकली क्या? ये ऑक्सीडेशन है, डी इलेक्ट्रोनेशन इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, और इलेक्ट्रोनेशन इलेक्ट्रॉन का गेन होना, ये हमारा रिडक्शन।
देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको रिडॉक्स रिएक्शन आना चाहिए, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट हमारा रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन प्रेशर। तो देखिए, सॉल्यूशन प्रेशर होता क्या है? तो देखिए, सॉल्यूशन प्रेशर में ऐसा बोला गया है कि फॉर सब मेटल द एटम फ्रॉम न्यूट्रल रॉड विल मूव इनटू सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आयंस लिविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन ऑन द रॉड। इसको समझते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि हमारा कोई मेटल है और ये अभी न्यूट्रल एटम है, इसका मेटल का ये न्यूट्रल एटम है। अब ये मेटल क्या करता है कि इस सॉल्यूशन में एम प्लस एन आयन देता है, ठीक है, और ऐसा ये करने से इस पे एन इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करता है। ऐसा करने से ये रिएक्शंस कुछ ऐसा होगा कि एम एन किस में चला गया, एम एन प्लस और यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन। ऐसा होने से क्या हुआ कि हमारे इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, ज़्यादा हो गया। तो ऐसा होने से इनके बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया। तो इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर बोलते हैं। और सॉल्यूशन प्रेशर में आप देखेंगे कि मेटल आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए, यहाँ मेटल आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। और इस रॉड पे क्या क्रिएट हो गया, इस रॉड पे आपको नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, देख रहे हैं। तो जब भी सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होगा तो रॉड पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। आप सॉल्यूशन प्रेशर को जेड एन के टर्म्स में समझते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे हमारा जेड एन का क्या है, एटम है पूरा रॉड पे। तो अब ये जेड एन किस फॉर्म में आएगा, जेड एन प्लस टू के फॉर्म में आएगा, कहाँ पे, सॉल्यूशन में। तो इस पे ये क्या रिलीज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो क्या हुआ इससे, इससे ये हुआ कि इस रॉड पे आपको ज़्यादा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, और सॉल्यूशन में ज़्यादा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो ऐसा होने से इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ, तो इस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज जब भी डेवलप होता है, इसका मतलब हुआ कि एसपी ग्रेटर देन है ओपी से, यानी सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर देन है ऑस्मोटिक प्रेशर से। यानी यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड जो होता है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है। यानी जब आप कैथोड और एनोड को किसी भी सर्किट में जोड़ते हैं, तो वहाँ पे एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई देता है। एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इनफिनाइट टाइम के लिए नहीं चलेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे एक नोट है, दिस प्रोसेस विल नॉट टेक्स प्लेस टिल इन्फिनाइट टाइम, बिकॉज आफ्टर सम टाइम सफिशियंट नेगेटिव चार्ज विल बी डेवलप ऑन द रॉड विच विल अट्रैक्ट एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन्स फ्रॉम सॉल्यूशन एंड द रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ द आयन्स ऑन द मेटल रॉड बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मेटल एटम्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं कि ये होगा क्या, कि ये मान लीजिए जेड एन है, तो ये जेड एन हमेशा की तरह इधर तो जा रहा है, तो ये इस फॉर्म में जा रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो वैसे केस में ये हमेशा इनफिनाइट टाइम के लिए नहीं चलने वाला है, क्योंकि जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू होता है, तो ये सॉल्यूशन से पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और उस केस में मेटल रॉड से जेड एन प्लस टू का आना और सॉल्यूशन से जेड एन प्लस टू का मेटल पे डिपॉजिट होना, इसका रेट इक्वल हो जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होगा कि इसमें अब सॉल्यूशन से जो आयन होंगे
वो डिपॉजिट होंगे किस पे, मेटल रॉड पे। तो इन सब मेटल द ऑस्मोटिक प्रेशर डोमिनेंट ओवर सॉल्यूशन प्रेशर, और ऐसा तब होता है जब वो रॉड जो होता है वो कैथोड का काम करता है, और इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन SP होता है, और ऐसे होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन है वो रिडक्शन है, यानी कैथोड पे रिडक्शन होता है। कैथोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करता है फ्रॉम आउटर सर्किट, यानी जब भी आप एनोड को और कैथोड को कनेक्ट करेंगे तो ऐसे केस में एनोड इलेक्ट्रॉन की सप्लाई देता है जबकि कैथोड इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करता है, और ऐसा होने से आपका इलेक्ट्रोड कैथोड पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट हो रहा है। देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पे आपके पास है CuSO4, यानी इसमें कॉपर किस फॉर्म में होगा, Cu+2 में। ये क्या करता है, ये इससे दो इलेक्ट्रॉन लेता है, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये Cu के फॉर्म में इसके ऊपर डिपॉजिट होता है। तो ऐसा होने से क्या हुआ कि इस कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपको क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो आपको यहाँ पे बोलना होगा कि ऐसे केस में आपका जो इलेक्ट्रोड होता है उस वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कैसे, Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ले के किस में जा रहा है, Cu में जा रहा है। तो यहाँ पे आपको रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो अब सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि Cu+2 आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटने वाला है। तो और ऐसा होने से आपका ये मतलब हुआ कि सॉल्यूशन का जो Cu+2 है वो कहीं ना कहीं इस रॉड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, जिसके चलते सॉल्यूशन में Cu+2 का कंसंट्रेशन घट रहा है, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है।